हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट ईमेल राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सब हमें ये पता होना चाहिए कि ईमेल होते क्या हैं। सो स्टूडेंट, ईमेल इज द मॉडर्न वे ऑफ सेंडिंग ए लेटर थ्रू आउट कंप्यूटर। लेटर कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कंटेंट ऑफ द लेटर शुड बी रिलेवेंट ऑफ द टॉपिक। हाउएवर, इट इज़ नेसेसरी टू हैव ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर एज वेल एज रिसीवर। यू नो एवरीवन। And what is email writing? Email is a electronic mail. It is the exchange of stored communication of computer and through telecommunication. These pages are in the text form. They are sent of the computer to another throughout telephone lines and stored into a remote computer till the receiver goes through them. Okay, student. In this way, messages sent by email are cheaper and can cover a large area throughout the world. Email is divided into two part, एक address and message. With the help of addresses, a message can be sent to the proper person. Phone mail is such a salutation and subscription can be avoided. So हम first of all we can see format of the email. What is format of the email? For example, this is mail. इस तरह से आपको एग्जाम में दिया होगा, राइट एन ई मेल टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हीज हर सक्सेस। तो आंसर फ्रॉम में आईडी आएगी एंड टू, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेस माय डियर मीनू, मतलब कोई भी यहाँ पे जिसको हम मेल कर रहे हैं। टुडेज पेपर इज बिफोर माई आईज, योर फोटो ऑन द फ्रंट पेज स्पीक्स वॉल्यूम। इट टेल्स दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। I congratulate you and your brilliant success. इस तरह से लिखना है, एक पूरा करके एक पैराग्राफ, उसके बाद you are the industries and the promising daughter of the hard working father. Everyone knows that your father has stood first in the whole districts. You can follow in this in his footsteps. You can be burning the midnight oil. Your hard work has borne fruit. You must be feeling elated. Your parents and teachers had pinned all their expectations on you and you have not failed them. You deserve my heartiest congratulations. Please convey the same to your parents. Yours sincerely and name. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें आपको ये देखना है कि आपको ये ऐसा नहीं कि ये इस तरह से एक ही ईमेल दे दिया तो वही आएगा। यहाँ पर टॉपिक कुछ भी चेंज हो सकता है, तो आपको वो लिखना है। बस आपको सिर्फ फॉर्मेट रखना है कि फॉर्मेट कैसे करना है। फ्रॉम आएगा सबसे पहले, फिर टू, और फिर सब्जेक्ट, और फिर जिस को लिख रहे हैं उसका नेम, और लास्ट में सब लिखने के बाद योर सिंसियरली। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट होगा। अगर हमने फॉर्मेट अच्छे से समझ लिया तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, अभी देखिए इसमें बॉडी ऑफ द ईमेल में हम फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखते हैं। जैसे अभी हमने किया तो इसमें लिखते हैं वेयर बोर्ड सेंड अपडेट ऑफ द सेंडर। ठीक है, उसका जो न्यू अपडेट आया है सेंडर का वो। उसके बाद सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें लिखेंगे पर्पज ऑफ ईमेल, कि किस पर्पज़ के लिए हमने मेल डाला है, कि ये जो अभी हमने किया वो किस पर्पज़ के लिए था, कि अपने फ्रेंड को सक्सेस के लिए भेजा गया है। सेकंड जो लास्ट थर्ड पैराग्राफ उसमें कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, लव टू योर वंस, इस तरह से कुछ भी कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की इस तरह से। ठीक है, तो ये थर्ड पैराग्राफ में ख़त्म करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप ईमेल राइटिंग इज़ क्लियर। ओके, थैंक यू।